हाथ स्वच्छता को अपनाना है, बीमारियों को दूर भगाना है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनगिनत कार्य हम अपने हाथों से करते हैं। इसी क्रम में जब भी हम अपने हाथों से किसी चीज को छूते हैं तो कुछ कीटाणु हमेशा हमारे हाथ में रह जाते हैं। फिर इन्हीं दूषित हाथों का उपयोग जब हम भोजन करने या आंख नाक मुंह को छूने के लिए करते हैं तो यही कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जिसमें डायरिया, अपच की समस्या, इन्फेक्शन व फूड पॉइजनिंग आदि शामिल हैं। बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोना आवश्यक है। आज के समय में पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला कोरोना तो सबसे अधिक दूषित हाथों की वजह से ही फैल रहा है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम हाथों को धोने में जरा भी लापरवाही ना बरतें। हाथ स्वच्छता को ग्राम स्तर से लागू करने की आवश्यकता क्यों है? जम्मू कश्मीर में लोग हाथों की स्वच्छता के महत्व को गंभीरता से लें, इसके लिए आवश्यक है कि इस अभियान को पंचायत स्तर से शुरू किया जाए। वैसे भी ग्रामीण दिनचर्या आमतौर पर शारीरिक श्रम से जुड़ी होती है, जिसमें हम अपने हाथों से कई तरह के कार्य करते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, पशुओं को चारा देना, गोबर से उपले बनाना, कीटनाशकों का छिड़काव करना, पोल्ट्री फार्म से जुड़े कार्य करना आदि। इन सभी कार्यों को करते समय हमारे हाथ सैकड़ों हजारों कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं। जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर हाथों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत कई तरह के कार्य कर सकती है, जैसे सप्ताह में दो बार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण के अंतर्गत बैठक आयोजन कर लोगों को हाथ स्वच्छता के बारे में बताना, ANM, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव लोगों को जागरूक करना, गांव में हर स्कूल, आंगनबाड़ी आदि में साबुन अथवा सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना, हाथ की स्वच्छता के विषय पर सामुदायिक बैठकों का आयोजन करना, ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन करना, BRC तथा जिला स्तरीय NBA MSB समन्वयकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना, इस तरह से धोना है हाथ। हाथों को साफ पानी में साबुन या हैंड वॉश द्वारा अच्छे से साफ करें। साबुन से हाथ धोते हुए उन्हें अच्छे से मले और झाग बनने दें। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ें, उंगलियों के बीच में और नाखून की पूरी सफाई करें। अब ताजे पानी से हाथ को साफ करें और किसी स्वच्छ कपड़े से उसे पोंछें। कब कब धोना है हाथ? फल और सब्जियों को पकाने, काटने व छीलने से पहले, खाना बनाने से पहले और बाद में, भोजन से पहले और भोजन के पश्चात, पशुओं को चारा देने से पहले व बाद में, शौच के बाद, बच्चों के डायपर बदलने के बाद, तथा निश्चित रूप से किसी और कारण से हाथ गंदे होने पर। अगर आप कहीं बाहर हैं या आसपास पानी और साबुन उपलब्ध नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें अल्कोहल की मात्रा लगभग 60% हो। हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को पूरी तरह से गीला करें। गीले हाथों को तब तक रगड़ें जब तक वो अपने आप सूख ना जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं अपितु समाज के प्रति हमारा दायित्व भी है। अपने ग्राम को स्वस्थ बनाएं, हाथों की स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।